नमस्कार, क्राइम रिपोर्ट्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं निशा सरोज, आई नजर डालते हैं आज कुछ खास खबरों पर। मिर्जापुर पुलिस ने चार साथी चोर गैंग गिरोह का खुलासा करते हुए गिरोह में शामिल चार लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से 54 लाख रुपए की कीमत के बिजली के तार बरामद किए। बिजली के तार की यह चोरी इस गिरोह ने स्थानीय कंपनी से की। चोरी की शिकायत के बाद पुलिस लंबे समय से इनकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने चोरी का खुलासा करते हुए सभी को जेल भेज दिया। वहीं पुलिस लाइन में पत्रकार वार्ता के दौरान खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि लालगंज थाना के क्षेत्र बसेड़ा में स्थित पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निर्माण के लिए कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड के द्वारा विंध्याचल वाराणसी के लिए बन रहे थे। बिजली के ट्रांसमिशन लाइन के लिए 15 ड्रम एल्युमिनियम कंडक्टर तार रखा गया था, जिसे कंपनी से चोरों ने शातिराना तरीके से चुरा लिया। इस घटना की शिकायत मिलने पर जांच कर रही स्वाट टीम और स्थानीय पुलिस को बड़ी सफलता मिली। घटना में शामिल इस गिरोह के चार व्यक्तियों को, जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान के थे, उन्हें गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने घटना में इस्तेमाल की गई ट्रक और चोरी के एल्युमिनियम तार, जिसकी कीमत 54 लाख रुपए बताई जा रही है, बरामद किया गया है। वही सभी को जेल भेज दिया गया। सर, जो दिल्ली में पुलिस ने छापा मारा था, सर क्या है पूरा मामला, कितने क्या गिरफ्तारी हुई? ये 2 नवंबर को NH7 से तार चोरी हुआ था, थाना लालगंज अंतर्गत एक कल्पतरु पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड कंपनी द्वारा रोड निर्माण किया जा रहा है। और उस रात को 3 ट्रकों में इनका माल 15 ड्रम 90 लाख रुपए का, इनकी क्वालिटी थी 765 केवी डीसी एल्युमिनियम कंडक्टर, यहां से लोड करके फतेहपुर के रास्ते से दिल्ली में ले गए हरियाणा और अलवर। यशोजी और स्वाट टीम, लालगंज की पुलिस, इन लोगों ने सर्विलांस और मैनुअल सुराग रसी पता रसी से माल और मुलजिम रिकवर किया। फिलहाल इसमें 7-8 मुलजिम हैं, 4 की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 2 मुलजिम राजेश कुमार गुप्ता और रुकमुद्दीन ए दिल्ली से गिरफ्तार हैं, जिसमें से एक दिल्ली का, दूसरा अलवर राजस्थान का है, और बबलू पटेल और जवाहरलाल एक कौशाम्बी के रहने वाले हैं। इन्होंने यहाँ लोकल आदमियों से और लोकल क्रेन से सामान को लोड करके ट्रक से ले गए। कुछ सामान इनका बिक गया, लेकिन 54 लाख का मटेरियल सकुशल बरामद पुलिस ने किया है और गिरफ्तारी करके इनको न्यायालय में भेजा जा रहा है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभी शेष है और इनसे भी पुलिस कस्टडी रिमांड पर इनको ले करके अग्रिम पूछताछ की जाएगी। कितने दिनों से सर ये लोग कर रहे हैं, कोई रिकॉर्ड मिला है नहीं? ये स्क्रैप का काम करते हैं, क्योंकि अभी इनसे विधिवत डिटेल पूछताछ दिल्ली से जर्नी में यहाँ आने जाने का, इनका काम स्क्रैप का है। चोरी का काम अभी बृहद पूछताछ नहीं हुआ, लेकिन मेरे यहाँ का 700-800 किलोमीटर दूर आकर के चोरी करना, ले जाना, ये मामूली और साधारण चीज नहीं है। लोकल व्यक्ति सर कोई इन्वॉल्व था जो उनको सूचना कैसे लगा सकता, कोई लोकल व्यक्ति नहीं? लोकल भी, लोकल इन्वॉल्वमेंट है और लोकल क्रेन भी इस्तेमाल हुआ है, जिसका पता चल गया है, और उसको भी हम शीघ्र ही उसको अरेस्ट करेंगे और क्रेन भी रिकवर करेंगे। बिजली कंपनी द्वारा कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किया गया, इतना बड़ा काम हो रहा है, इतनी चीजें रखी गई हैं? नहीं, इतने कीमती सामान इनके सड़क पर पड़े रहते हैं, आपने देखा होगा, एक चौकीदार रहता है वाचर के रूप में, सिक्योरिटी या इस टाइप की कोई चीज नहीं, और इनके वैल्यू या इनके इम्पोर्टेंस के बारे में स्थानीय पुलिस को भी नहीं पता था कि इतनी वैल्यूएबल चीजें, जब चोरी हो जाती है तब पता चलता है। मिर्जापुर से अनिश कुमार की एक रिपोर्ट।